दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और संजू सैमसन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बारिश के कारण कोलकाता और राजस्थान का मैच हुआ रद्द, लेकिन अब बेंगलोर की टीम का क्वालिफाई मैच होगा इस दिन। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना है, अपने कोलकाता और राजस्थान के बीच खेला जाने वाला अंतिम लीग का मैच बारिश के चलते हुआ था रद्द, जिसके कारण क्वालिफाई मैच की इस तारीख को तय हो चुकी है। बेंगलोर का महामुकाबला इन सब दिग्गज टीम के साथ होने वाले हैं, तो आखिरकार बेंगलोर की टीम का क्वालिफाई मैच किस टीम के खिलाफ कब और कहां खेलेंगे ये सब आपको बताएंगे। साथ ही प्लेऑफ का क्या डेब्यू रहने वाला है इसके बारे में सब बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस 2024 के सीजन में एपीएल में कौन सी टीम एपीएल चैंपियन बन सकता है, अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आपको बता दे कि कोलकाता और राजस्थान के बीच एपीएल का रोमांचक मैच खेला जाने वाला था, जो कि इस एपीएल का अंतिम लीग मैच होने वाला था। लेकिन मैच शुरू होने के पहले गुवाहाटी के स्टेडियम में जमकर बारिश हो गई, जिसके कारण टॉस भी नहीं हुआ और मैच को बिना टॉस के रद्द करा दिया, जिससे कोलकाता की टीम को एक अंक मिला और कोलकाता की टीम 20 अंक के साथ सबसे ऊपर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की टीम को भी एक अंक मिला, जिससे टॉप 2 में पहुंचने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह तीसरे नंबर पर आ गया और कोलकाता की टीम अपनी क्वालिफाई मैच हैदराबाद की टीम के खिलाफ आज पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज करते ही टॉप 2 में पहुंच गया। और अब हैदराबाद और कोलकाता के बीच महामुकाबला अहमदाबाद के मैदान में आज मैच 21 तारीख को खेला जा रहा है। चलिए दोस्तों इस मैच में कौन जीत दर्ज करता है इसके अगले फुल हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।